गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड एक छोटी सी अपडेट है कि मेरे दो वीडियोस जो हैं वो रिव्यू के लिए गए हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि राउंड टू हेल्थ के मोस्टली मुझे वीडियोस पे येलो डॉलर आते ही आते हैं एंड सॉन्ग्स के ऊपर तो क्लेम्स आते ही आते हैं। तो ये कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि, लेकिन मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि मेरे सारे ही वीडियोस पे येलो डॉलर्स हो रहे हैं। तो रिव्यू के लिए गए हैं, चैट भी मैंने किया था, तो वो बोल रहे कि थोड़ा सा सबर करो, हम देखते हैं, अब देखो कितना और सबर करना है। जैसे ही जो है वहां से यूट्यूब से अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली पब्लिक कर दूंगी वो वीडियोस को, बनकर रेडी हैं, ठीक है। एंड आज की वीडियो की बात करो तो थगेश का शो जो है फर्स्ट एपिसोड वो लेकर आई हूं एंड बीबी की वाइंस भी आई है उसके अंदर। तो डेफिनेटली शो तो देखना बनता ही था, ये किसी की रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरी मर्जी है। हाँ, लेकिन आप लोग की एक रिक्वेस्ट थी कि ताजा खबर के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन लेकर आओ, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरे साथ में थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन अगर आप लोग को अभी भी चाहिए है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी रिएक्शन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं ये वीडियो के साइड पर, लेकिन उससे पहले वही, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताने की और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए। एंड गाइज, आजकल मैंने जो है शाउट आउट देना स्टार्ट किया है, तो आप लोग जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट नंबर आप लोग का ही और आप लोग का शाउट आउट हो। तो चलते हैं हम लोग ये वीडियो के साइड पर। और हाँ, अगर आप लोग को देख कर तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन आ गया था लेकिन मैं देखा नहीं अभी तक, पता है। तुम लोग ने कमेंट सेक्शन में अभी तक सस्ता जिमी फैलन, सस्ता जिमी कैमल वो सब डाल दिया रहेगा, लेकिन मैं एक फैक्ट बता दूं, हम लोग ने ये सब वर्ड्स ना कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर दिए। एक बात तो मैंने भी किसी ना किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ, सन ऑफ अबीज भी कर दे। वैसे भी तुम लोग को बता दो, ये थग लाइफ चश्मा ना जितना मेरे पे सूट करता है ना, किसी जिमी कैमल जिमी फैलन पे सूट नहीं करेगा। ओके, सो यस, काफी सारी मेहनत परिश्रम और बाप के गांव की जमीन के बाद, वो भी उनको बिना बोले, आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द थगेश शो। यस, आप लोग सोचोगे कि क्या है द थगेश शो, ये एक बहुत ही फ्रेश कंसेप्ट है, इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक होस्ट बैठ रहा है, दो गेस्ट आने वाले हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, एंड एक्चुअली वो फनी होगा बिकॉज ये पॉडकास्ट नहीं है। इस शो पे बड़े से बड़ा यूट्यूबर आएगा, तुम लोग नाम लो, मैं उसको बुला लूंगा, क्योंकि ना जब वो यूट्यूबर मेहनत कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, कॉन्टेंट बना रहा था ना, तब मैं उनके डीएम में उनसे कॉन्टेक्ट बना रहा था। एंड गाइस, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये शो मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो है, बिकॉज एक YouTube इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ ये व्यूज के लिए कर रहा होता ना, तो रीलर्स पे एक और रोस्ट बना देता। तो तुम लोग देख रहे हो, सेट तो अपना ग्रैंड है और हम भी ग्रैंड है, एंड ग्रैंड ओपनिंग भी है, तो तुम लोग को नहीं लगता गेस्ट भी ग्रैंड होना चाहिए, एकदम दमदार गेस्ट होना चाहिए? नहीं। तो गेस्ट हमारे पहले गेस्ट कौन है? ये बंदे ने यूट्यूब इंडिया में बंदों को यूट्यूब के बारे में बाद में मालूम पड़ा, पहले इसके बारे में मालूम पड़ा। एंड हमारे जो सेकेंड गेस्ट है, इनके साथ वाले, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके नाम का ढिंढोरा पीटते। यस, सो गाइस, प्लीज वेलकम द थगेश शो के पहले गेस्ट ऑफ सीजन वन, भुवन बाम एंड उसका बॉलर रोहित राज। Welcome to the premiere episode of the Thagesh Show. Thagesh Show, eh? Hey? Thagesh Show? Yeah. अच्छा, सुनो वो पीछे। भैया, थोड़ा सा nervousness feel हो रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, आपके लिए बोलता हूँ। Chill रहो, एकदम अपना ही है सब, इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, है ना? डिंडोरा? मिले थे? अच्छा लगा वीडियो। वीडियो अच्छा था, मैं था उसमें, मालूम पड़ा कि नहीं?
कहाँ पैंट्री पैंट्री में दूसरे सेट पे लेंगे कमेंट सेक्शन में था पैंट्री में नहीं हाँ तभी सोचा आपने हमारे बारे में और आपने जब वीडियो डाला था भाई तीन दिन तक मेरे को ऑडियंस आके बोल गई तकेश भाई कहाँ पे तकेश भाई कहाँ पे पीछे वो भाजी वाला था वो बोल रहे हो देखो वहाँ पे मतलब कुछ क्राइटेरिया था क्या ऐसा इसको ऐसे कर ये क्रिएटर रहेगा इसके इतने सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो इसको बोलेंगे अपनी शिकायत बता दिया तकेश ने फोन किया नंबर नहीं था तुम्हारा मेरे पास सिंपल हाँ सिंपल नंबर नहीं था ठीक है भुवन भाई अगर आपने अभी शंखनाद बजा ही दिया है तो मैं आपको बताता हूँ मेरे शो का फॉर्मेट ना अभी रोस्ट वाला है ठीक है रोस्ट वाला फॉर्मेट है एंड आपको मेरे को रोस्ट करना है मैं आपको रोस्ट करूंगा बुरा मत मानना बीच में से उठ के मत चले जाना मान चुका हूँ तो पैसे डाले सेट में कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा दिमाग लगा ले ठीक है आशीष चंचलानी एंड भुवन मोम में पता है क्या सिमिलैरिटी है क्या है आशीष चंचलानी अपने फ्रेंड्स को वीडियोस में लाके पकाता है और आपको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं हिटर्स क्यों नहीं है बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं हेटर भी भूल जाते रहेंगे इसको अच्छा अब देख अच्छा, अब देख तू ऐसे खुद का भी बनाया करो कुछ ऑनेस्टली जानते हो मैं कौन हूँ मैं क्या काम करता हूँ यूट्यूब पे नाम मालूम है थगेश थगेश अनफिल्टर्ड दो चैनल है बिल्कुल थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है काय को क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बना रहे ठीक है लेकिन मैंने ताजा खबर का ट्रेलर देखा ऑनेस्टली मेरे को चुम्मेश्वरी लगा सामने बैठे इसके लिए मैं बता रहा हूँ मेरे को गोल्स लगा मैंने जब ट्रेलर देखा मेरे को लगा कि भाई एक यूट्यूबर इस लेवल पे जा सकता है ना तो थोड़ा सा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मजाक से हटके ऐसा लगता है कि भाई हम भी जा सकते हैं बिल्कुल है ना रोहित भाई बहुत पैसे आपके पास अरे सीजन टू में मेरी भी शक्ल वक्ल थोड़ी ठीक ठाक है यार देखो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महेश बाबू की आधार कार्ड कॉपी का था आपको इनवाइट कर दिया माइक ड्रॉप मोमेंट भाई ट्रेलर में आप वसंत गावड़े हो जी वसंत गावड़े के पास कुछ मैजिकल पावर्स है क्या है एग्जैक्टली यार उसको सारी खबर ना वक्त से पहले मिल जाती है सारी एग्जाम्पल जैसे ये शो वायरल होने वाला ऐसा कुछ हाँ मिल चुकी है चलो बढ़िया मेरे को आपका वक्त ये लग रहा है ढिंडोरा में भाई लॉटरी से पैसे निकाल रहे थे ताजा खबर में भाई वो न्यूज आके क्रिप्टो से पैसे निकाल रहे दो नंबर के धंधे के आइडिया आपके हैं आपके इनके इनके है भाई मतलब ढिंडोरा तो ऑफकोर्स भाई की देन भाई की सोच यस एक दिन रात को ऐसे ही 4 बजे फोन आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट सोच लिया वन लाइनर ही है अब बताओ क्या करना है तो फिर वहां से एक बार वन लाइनर आ गया गूजीज आ गए वो सुन के वो वन लाइनर का गेम है सर नवाजुद्दीन वाला कैरेक्टर और डायलॉग शाहरुख वाला एक्शन अक्षय वाला यार मेरे को ऐसा लग रहा है लोग एक्सेप्ट करते हैं यार ऐसा नहीं मूड मूड की बात है अब जैसे ये भी नया है या तो अच्छा करने की बात है हाँ ये तो नया है ना ये वाला शो भी ये वाला कॉन्सेप्ट भी हाँ। तो 100 किल हो जाएगा ये हाँ जिस दिन आएगा ये वाला एपिसोड क्योंकि पहले ही चलेगा एपिसोड हाँ डायलॉग्स बहुत एक नंबर लगे भाई हाँ। वडाला का वुल्फ मुंबई का किंग चेंबूर का चीता नहीं थाने का टाइगर ये नहीं बोलना चाहिए आपको पता थाने से कौन है थाने का एक ही टाइगर ये करी ना बात थैंक यू थाने के बारे में जानते हो क्या कुछ थाने आया हो अभी थाने में एक आध बार आया हूँ क्या करना बस पहुंच गया था कहीं जा रहा था तो बीच में पड़ा रुकता कोई नहीं है रुकता हाँ मतलब आगे ही जाना था मुझे नहीं पता था आप थाने से मैं थाने से वरना मैं जाता ही नहीं वहां से भुवन रोज वाला मैं देखते हो देखता हूँ आप देखते हो हम तो बहुत शेयर करते बहुत शेयर करते हैं कंटेंट देते हो अपने मर्ज को नहीं हम शेयर करते हैं बहुत 10 महीने में एक वीडियो आती है भाई क्या कंटेंट देते हैं थोड़े से मीम्स बनाए आपके लिए हाँ मेरे को चाहिए कि आप रिएक्ट करो उन पे डन ठीक है बहुत स्पेशल मीम्स है लेट्स सी आपको पसंद आते हैं कि नहीं सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू वेयर अ मीम ओके ठीक है ओके व्हाट इफ यू वेयर अ मीम लगाओ किससे कहानियों में ही सुना था अब तक पर आज पहली नजर में प्यार होने का मतलब समझ आया है Ha ha ha!
एक्चुअली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बाप ने दारू पिया, आई को मारा, तुमने इधर उधर का सब लफड़ा सुलटाया, बस दुनिया भर का संदास हो। तू पागल है? लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता, अपना बुरा टाइम कितना टिकेगा? टेंशन मत ले, तेरा मामा तेरा साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? आई, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। तेरे में कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिंदगी शांति से जीना क्यों नहीं करता है? किधर जा रहे? औकात के बाहर। सुनो नॉट इवन चार कौन जैसा कुतुब मीनार। समझ में नहीं आ रहा, ये वरदान है या श्राप, नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है? पता चल जाएगा। बाकी रोहित भाई जी, भाई आप मोहन भाई को मैनेज करते हो, आपको कौन मैनेज करता है? है भाई कोई है? निरोला पैसा बोलोगे। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हैं, तो क्या रियल में बैठे थे शौचालय में? एक सेट बनाया था, सेट था, और मजे की बात ये कि वो इतना रियल था कि कोई रात को आके मूड गया उसमें, ये सोच के कि असली सेट है वो, सुबह बेचारे सबको साफ करना पड़ा। वो बात कर रहे हो? हाँ, इतना रियल सेट। अभी एक मैं आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसमें सिक्के गिन रहे, मैंने देखा, गल्ला कितना होता है दिन का शौचालय वालों का? यार डिपेंड करता है कि आप कहाँ लोकेटेड हो, कहाँ क्या लोकेटेड हो, कितना होगा दिन का? इनका हो जाएगा 1000 रुपए, 1000-1500 रुपए तो हो जाएगा मिनिमम, बट बॉम्बे में तो बहुत लोग यूज करते हैं। तो मतलब वो सैलरी आपका रहता है जो गल्ले पे बैठता है, ओनर का रहता है वो? क्योंकि मैं ही ओनर हूँ उसमें। हाँ, तो मतलब मार रहा था आपको वो, पता चलेगा शो आने यार निकलवा रहा यार मेरा बहुत मन है बताने का यार, लेकिन ठीक है अभी जब आएगा तो। मेरा कमीशन बेसिस पे था? नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ वो जितना कमाता हूँ वो मैं ही रखता हूँ अपने पास। सॉरी आई डोंट नो मैं डालूंगा कि नहीं, मेरे को पर्सनली जानना था ये होता क्या, तो मैंने पूछा। हाँ। सोचो अगर कमीशन बेसिस पे रहेगा, खींच के लाएंगे ना हगो हमारे इधर। हाँ जबरदस्ती सारे आसपास के बंद करवा देंगे। मेरे को लगता था भाई खाली खाना अंदर डालने में बहुत पैसा है, खाना निकालने में बहुत पैसा है, बहुत। एनीवेज मेरे से टिप ले लेते, पता है क्या सिमिलैरिटी, एक आप भी टट्टी देख रहे हो, मैं भी यूट्यूब पर टट्टी देखता हूँ, आप भी उसमें टट्टी साफ कर रहे हो, मैं भी रोस्ट करके टट्टी साफ कर टट्टी कर जाएंगे भाई। तो हमारे शो को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक सेगमेंट रखा है थग टॉक्स। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से थग लाइफ वीडियोस बनाता था, वो पता है ना चश्मे विश्मे उड़ के। हाँ हाँ, तो मेरे को चाहिए कि हमारे गेस्ट ना अपनी लाइफ की एक थग लाइफ या एक सैवेज स्टोरी शो पे बताए, और जो भी वो अच्छी स्टोरी निकलेगी उसको सर्टिफाइड थग का एक गिफ्ट मिलेगा। उदयपुर एक ऐप की प्रमोशन के लिए उन्होंने कहा कि आ जाओ, हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो
हमने कहा ठीक है हम आ जाते हैं संडे को। भुवन ने बस एक स्टोरी डाली कमिंग टू उदयपुर टुमारो, तो हम भी पहली बार जा रहे थे, तो हम लोग एजेंसी वालों से बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्लीज, मैंने कहा कि यार मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे 12-14 के आसपास सिक्योरिटी बाउंसर्स की सिक्योरिटी आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, 4 की परमिशन है हमें, हम नहीं दे सकते 14। तो आई मेड श्योर कि अगले दिन 12 तो एटलीस्ट आए और इवेंट ऑर्गेनाइजर जो मॉल के रेगुलर इवेंट्स कराते आ रहे हैं, उनसे कहा ऐसा कौन आ रहा है। अभी 10 दिन पहले तो एक यहाँ बॉलीवुड का सुपरस्टार आया था, उसमें टोटल 10 बाउंसर लगे, तुमने 12 तो मैंने कहा कि नहीं साहब हो सकता है जरूरत पड़े। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप वेस्ट करा रहे हैं पैसा कंपनी का, ये वो इतनी कोई जरूरत नहीं, देखिए मैं लड़के खड़े हैं यहाँ पे, ये वो हमें आधे घंटे वहां परफॉर्म करना था। पुवन के साथ हम लोग निकले और मॉल के बाहर पहुंचे, मॉल के बाहर खचाखच भीड़ थी, हम लोग भी गाड़ी से नहीं उतर सकते। उसके बाद भुवन ऑलमोस्ट फ्लोट करते करते स्टेज तक पहुंचा। हाँ मेरे को याद भी, मैं चल के नहीं गया स्टेज तक, मैंने दोनों टांगे हवा में कर ली और जो ले आ रहा मैं उसके साथ जा रहा। हमारे भुवन के साथ ऑलमोस्ट 450 लोग स्टेज पे चढ़े क्योंकि देयर वर 5000 पीपल इन दैट मॉल, और वही बंदा जिसने मुझे 2 घंटे पहले बोला था कि ऐसा कौन है, आधे घंटे की परफॉर्मेंस होने के बावजूद ही केम टू मी सेड विद इन 8 मिनट्स कि सर आप इनको प्लीज लेके चले जाओ, यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। ये वाला किस्सा ना ऐसे जो शॉर्ट्स में, शॉर्ट फीड्स में मैंने कहीं पर देखा है, किसी का तो नहीं देखा लेकिन ये किस्सा मैंने सुना है। ये किसका तगला हुआ? कलेक्टिव हुआ, कलेक्टिव अपना ही है भाई। इसमें गिफ्ट एक ही लाया हूं यार, ये ऐसा मत करो, घर एक ही लेके जा रहा हूं, एक ही घर में रहते हैं। दो तो है कि नहीं, मेरे को ये भी डाउट है। है भाई, है कुछ भाई, खनखन बज रहा बस नीचे क्या है? बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत नहीं बकचोदी नहीं है भाई, नहीं है भाई, बहुत लगन से बनाया है। ये सिंबल है थग लाइफ का और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए भाई सर्टिफाइड वो ग्लासेस सेक्सी ब्रो। भाई ये किया है ना कुछ यार, बड़ी ये जबरदस्त चीज है यार भाई, हाथ लगाओ गोविंद भाई को, हाथ लगाओ भाई, ये वाली फोटो वो मीम याद आ गया मुझे, छोड़ के यार रख दू, हाँ रख दो बस वो फ्रेम में ना आड़े, लेके जाओगे ना? हाँ लेके जाऊँ, बिल्कुल जाऊँगा, विंडो से देख रहा हूँ, लेके जाऊँ, हाथ निकल रहा है। चश्मों को बहुत शौक है हमें, ये पहनने वाले नहीं है, नहीं इन जनरल बहुत शौक है, देखने में मजा आता है मुझे। आप दोनों के लिए है, थैंक यू सो मच भाई, मजा है भाई। और कोई स्टोरी सेट ताजा खबर की? लाइक चौल में शूट किया हमने, चौल में। अच्छा एक वो स्टोरी भी है चौल की, हमने मना कर दिया लोगों को क्योंकि लाइव चौल में शूट हो रहा था। अब आप चौल के लोगों को मना नहीं कर सकते, पीटेंगे भाई अंदर जाने के लिए, पीटेंगे। अब बालकनी से देख रहे हैं तो देख रहे हैं, क्या बोले हम? पर क्या होता था, हम बोलते थे कि वीडियो मत बनाओ, ये शो आएगा 1 साल बाद 1-1.5 साल बाद, तो कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा ये सब दिखा दोगे। घर गए एक दिन, अपलोडेड थे 4-5 सीन व्लॉग्स, और मुझे वो दिख गया था लड़का वीडियो बनाता हुआ, व्हाइल आई वाज टेकिंग अ शॉट। फिर भी कुछ कर नहीं पाए, पहुंच गए घर उसके। हमने कहा देख सुन, तू मेहनत करेगा, बड़ा होके जॉब करेगा, ये सब करेगा, वो सब करेगा, जब तेरी सैलरी आएगी और मैं ले जाऊँ सैलरी तेरी, कैसा लगेगा तुझे? मैं गंदा लगेगा ना? मैंने देखा मैं सिर्फ बना रहे यार सुबह सुबह उठ के, मैं मत करे सब यार। फिर समझ गया वो, हटा दिया उसने, मेरे को लग रहा है उसने अनलिस्ट किया पेमेंट कैसा रहता है इसमें की वेब सीरीज में? आप खुद सैलरी ड्रॉ करते हो या क्या करते हो? डंडोरा में भाई ने और मैंने एक जूते लिए थे, वो हमने प्रॉमिस किया था कि स्नीकर्स लेने कि अभी क्या, अभी शुरुआती दिन है चीजें बनाने के, तो अभी कमाने का सोचेंगे फिर क्या चलेगा। या तो ये क्लियर रखो कि पैसे कमाने, या तो ये क्लियर रखो कि काम कर रहे। अगर पैसे कमाने तो हर हफ्ते डाल सकता हूँ मेरी भाई, ये क्या मेरे पे क्यों शॉर्ट नहीं, 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 नहीं। नहीं मतलब ब्रांडेड कुछ भी बना के डाल सकते हैं ना, हाँ, पर ही ही नहीं। ये भी वापस मेरे पे शॉट है। अरे भाई मैं करता हूँ ब्रांडेड, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। अरे मेरे जा रहे हैं ना 2-3 बार से, तो ब्रांड क्या है रोहित भाई? अब तुम्हारा एक सिमिलैरिटी है भुवन और मेरे में, दोनों की इनकम सेम है, बताओ कैसे? तही भाई मैं साल भर जितने वीडियोस डाल के कमाता हूँ, भुवन भाई एक वीडियो डाल के कमा लेते साल में। ये झूठ है, ये झूठ नहीं है भाई, इस कमरे में सबसे अमीर आदमी इस तरफ बैठे है, ये बैठे। अरे भाई कैमरा वाले देखो तो ताम झाम जबरदस्त। मेरे को ये पूछना है कि ये सेट कैसे बना, किसका आइडिया था
क्योंकि मेरे को बहुत यू सॉ माय रिएक्शन जब मैं आया। थैंक यू मेरे को टिटू मामा एपिसोड 5 में बुलाने के लिए। जब मैं आया तो यू सॉ माय रिएक्शन, क्योंकि मेरी फट गई। मेरे को ऐसे देख के लगा कि भाई ये कहाँ आ गया, इतना सुंदर सेट है भाई। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू यार ये करने के लिए, थैंक यू। बट हमने मोस्टली ये इसलिए भी किया ये वाला, क्योंकि हम बात करते थे कि हम तुमसे कभी मिले नहीं लाइफ में। सो स्वीट यार, तो हम मिलना चाहते। ये था दिमाग में बिल्कुल हमेशा से, क्योंकि तुमसे मुझे यूट्यूब में दिखे हो थंबनेल पे। और वो कमेंट्स में, न्यूज़ वाले और वो कमेंट्स में मेंशन नहीं करते। फुल कैंपेन चलाई थी ना आपने, वो बोला आपकी जनता ने कि वो 3 दिन जाने के पहले ना एक कस्टमाइज आपके लिए एक सेगमेंट बनाया मैंने। हमारा गेमिंग सेगमेंट है लेवल अप। लेवल अप पे मैंने एक सेगमेंट बनाया ताजा खबर और नॉट। अच्छा उसके बारे में आपको लेवल अप जोन में बताता हूँ। अच्छा शिफ्ट हो रहा है क्या मामला उधर? अच्छे वाली बातें हैं सारी। भाई भुवन भाई ये हमारा गेमिंग जोन है एंड ये हमारा गेम है। प्लान मेरा स्क्विड गेम्स खेलने का था, उसका परमिशन आपने दिया नहीं, पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं दिया। बट एनीवे सिंपल सा गेम है। आपके सामने क्यू कार्ड है, मेरे सामने क्यू कार्ड है, वाइब पूरा ताजा खबर वाला है। तो आपके क्यू कार्ड में ना एक न्यूज है, मस्त सी न्यूज है, उसके सामने लिखा है वो रियल है या फेक है। ओके आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि वो न्यूज रियल है। अच्छा सिंपल से पढ़ के, तो इट्स मी वर्सेस हिम और यू आर आल्सो इन्वॉल्वड, यू वर्सेस हम दोनों। फिर ये जब बोलेंगे हम अच्छा दोनों वैसे, तो मतलब हम तो डूबे सर, हम तुम्हें भी लेट डूबे, लेट डूबे चाहिए। और जो भी ट्विस्ट है, हाँ अच्छा, जो भी गलत बोलता है, गलत गेस करता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज रियल थी एंड इन्होंने बोला फॉल्स है, इनको निकालनी पड़ेगी एक चिट्ठी। चिट्ठी में होगा एक नाम इन ड्रिंक्स में से, बहुत ही खतरनाक वाली ड्रिंक है, मेरे को भी मालूम नहीं है क्या क्या, बट वो फिर पीनी पड़ेगी। सिंपल है ठीक है। फन भाई सोच रहे मैं कहाँ आ गया हूँ, सो जाता घर में जाके करके डगाए आ रही हूँ देख के। ठीक है मैं शुरू करता हूँ, ठीक है तुम लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। हाँ ओके। सऊदी अरेबिया में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, कैमल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था ऊंट का, उसमें से 40 ऊंट डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है पता है क्यों? क्यों उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया। कुछ भी, तो ये रियल है या फेक? फेक बताओ। रियल रियल है पक्का? रियल 100%। That's right, real है। बस क्यों मैं ही आज मैं ये नहीं ऐसे क्यों सच में real है? Nice nice nice। अच्छा मेरे को पीना पड़ेगा अभी। उठाओ भाई पर्ची उठाओ। स्वयं मैं दूंगा आपको। क्या है ये? क्या है रेड? ग्रीन चिली? रेड चिली। लाल चिली? लाल चिली। हैं? ये। आहा। क्या एक क्लिप मार रहा है प्रोडक्शन क्या? अच्छा हम करते हैं बटन दबता है चेक कर रहा है ठग चल चल रहा है यहाँ था ये अच्छा पा ठग चल मजा आया है सुख माल तो नीचे रह गया भाई वो हिला के पी ले टेस्टी लग रहा साला काफी पी रहे अभी भी रहता है वैसे बस बस भाई थोड़ा बीट मार करो थोड़ा बीट वगैरह डाल दो चलो नेक्स्ट भुवन भाई उत्तराखंड के फार्मर्स अपने खेतों से जंगली सुअरों को भगाने के लिए बड़े बड़े लाउडस्पीकर पर यो वाणी सिंह के गाने बजाने लगे और वो गाने सुन के जंगली सुअर सच में भाग जाता। ट्रू इट्स अ जॉन इट्स अ ऑन करेक्ट न्यूज लिखा उसने हैं लिया। अरे भाई बताइए तो बताइए आप भी तो बताइए। मन गलत लग रहा है। फॉल्स भाई ऐसे आयो ब्रो फ्रेंड ब्रो ट्रू है ब्रो से वही से वही कम ऑन अब क्या मैं अब दो लोग गलत हो गए कौन लोग कैसे मैंने ट्रू बोला ना नहीं तो हम दोनों गलत हो गए ना नहीं तो न्यूज़ पढ़ी तूने पीने वापस अरे उठा दे दी तो ठीक है
अरे यार सॉय सॉस BBQ ब्राउन होगा कहीं ये क्या होता है भाई बारबेक्यू पता लगा दूसरे तक पहुंचे ही ना यहाँ वॉशरूम वॉशरूम है ना गो क्या बात है जिसने होस्ट किया बेचारा वही है इसको सारा माल नीचे रह रहा है चम्मच जाएगा अपने पास हैंडी मार के पिलाओ उसको हाँ अगला तुम्हारा जाने वाला लाओ अरे मैं हाँ चलो एक हिंदी न्यूज चैनल का ये दावा है कि मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया को दूसरे प्लैनेट्स के एलियन उठा के ले जाने वाले उड़न तस्करी एक अनसुलझी पहेली के लेखक का ऐसा कहना है कि ऐसा बिल्कुल संभव है तू चेंज कर सकते हो नहीं इट्स एन ऑनेस्ट न्यूज प्लीज गो फॉर इट भाई ये कौन सा न्यूज कवर कर रहा है अरे भाई मैंने इसका थंबनेल देखा है प्रॉपर यूएफओ आता है गाय को ले जाता है और कहते हैं इमेज के गाने मैं देखा है ये न्यूज एक्चुअल में लेकिन ये रियल नहीं है ना ये न्यूज चेक नहीं है ये फैक्ट नहीं है कौन लिखा है ये फैक्ट नहीं है ट्रू इट्स ट्रू भाई ये गलत कर रहे हो भाई अरे मजा मजा आएगा बहुत मजा आएगा तब तो मैं खाऊं कैसा गार्लिक इट्स हियर इट्स हियर पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते भाई अरे यार Go for it, फिर ला के दूंगा भाई थोड़ा सा इसको रेड चिली में फेटी मार दे सॉरी भाई हम भी पार्टिसिपेंट हैं यार सॉरी फॉर कमिंग ऑन टीवी टॉक्स 5 दो फुट लंबे आदमी ने पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको एक दुल्हन चाहिए दो फुट के आदमी ने पुलिस के पास जाकर बोला कि उसको दुल्हन चाहिए फॉल्स इट्स फॉल्स अभी ग्रीन चिली रखी है आपका सोया है हाँ भाई चलो आओ गोवा पुलिस ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपाई है कि जो जो नशेड़ी गोवा में सरेंडर करने पर सी फेसिंग प्रिजन में सजा ऑफर करेंगे मेरे को फॉल्स आ रहे लेकिन मेरे को सोच रहे दो रुको यार फॉल्स 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 हम तो डूबे थे ना तुमको भी लेकर सच में वही भाई एक बार भरोसा किया आप पे ड्रम पिश हो गया तुम्हारा साथ बीट बीट उधर लाल चिड़िया की नॉट बैड नॉट बैड चीयर्स ब्रो चीयर्स ब्रो पूरे में आधा तो पी लूंगा सही होता है B2 है ना ये टेस्टी होगा मुंबई के एक आदमी ने मुंबई से चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की सारी बिजनेस क्लास सीट्स बुक कर ली अप्रॉक्स 5 लाख के कॉस्ट पे ताकि वो नहीं लेकिन उसका कुत्ता टांगे फैला के आराम से ट्रैवल कर सके कितना बुक किया भाई उसने पूरा बिजनेस क्लास बुक कर लिया फॉर 5 लाख पॉन्स चलिए साहब चलिए चल नहीं भाई उतना जुल्म नहीं करना भाई से दो आ गए भाई लेमन प्लस विनेगर बनाया हुआ भाई कम ऑन भाई इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई के साथ थोड़ी सिंपथी दिखाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको भाई के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा लग रहा है भुवन साइनिंग ऑफ एक मेरा रिक्वेस्ट है हाँ टीटू मामा की आवाज में एक बार हाँ तो बेटा ये 2G पे महेश बाबू का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लड़का है मेरे को बस एक टिप दो शाहरुख सर को शो पे कैसे लाना है ट्रिगर टेन चांद करके मेरा दोस्त है उसके लिए पूछ रहे तीन चार बहुत अच्छे एपिसोड्स होने चाहिए एक तो गया जबरदस्त ऑनेस्टली बताऊं तो इतना मजा आया एंड यार मुझे ना बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली अंदर से जो है ना थगेश के लिए बहुत खुशी हो रही है कि उसने इतना अच्छा मतलब माइंडसेट किया इतना अच्छा सेट बनाया बहुत 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 ही ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा गया है उसका शो ठीक है और थोड़ा सा मैं लेट हो गई ये वीडियो लाने के लिए लेकिन कोई ना चलता है ठीक है एंड यार क्या बोलूँ मैं ताज़ा खबर के लिए
भुवन मैम को बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ठीक है? एंड आई नो अच्छा ही जाने वाला है वो. एंड यार मैं क्या बोलूँ, मतलब जैसे मैं थगेश के वीडियोस, रोस्ट वीडियोस को एंजॉय करती हूँ ना, वैसे मैंने ये उससे ज़्यादा मैंने ये शो को जो है ना एंजॉय किया है. और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बहुत मतलब वो दिख कर आ रहा है पूरा हार्ड वर्क उसका, ठीक है? एंड थगेश कहते हैं ना, एक ये चीज़ है कि वो चेंज 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 लेकर आता है, एक ही इस पर नहीं लेकर बैठा रहता, ऐसी चीज़ है. सो यस, वीडियो खत्म करते हैं. होपफुली आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया. मैंने बहुत किया है. अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को पता है क्या करना है. जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स जो है थगेश के फैंस के साथ में एंड भुवन बाम के फैंस के साथ में भी. एंड गाइज, मुझे यहां तक देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. एंड ऑल द बेस्ट थगेश को, ठीक है? न्यू शुरुआत की है. एंड मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस. तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.